तो गाइज अभी ये अम्मा जो है ना वो हमें मिट्टी के घर किस तरह प्लास्टर होते हैं वो आपको दिखाएंगी। गाइज ये इनका मंदिर है, अभी देखते हैं। तो घनी दिहाड़ी मिल दिया उनमें, सब मिले, बस सब मिले जे को दिहाड़ी मिली। यही बर्तन रखने की जगह है और ऊपर जो है इंडियन एक्ट्रेस की जो है पिक्चरें वगैरह लगी हुई है। तो गाइज इस तरीके से ये टोटली घर जो है वो इस अम्मा ने प्लास्टर किए हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये इस गांव का मंदिर है और ये इसमें पूजा पाठ करते हैं। तो गाइज ये बजरंगबली मंदिर है, इस तरीके से बना हुआ है और ये पूरा गांव जो है वो कोली कम्युनिटी रहती है। और इनका रहन सहन भी कैसा है वो आपको दिखाते हैं। इनके घर वगैरह बिल्कुल कच्चे हैं, कच्चे मकानों में ही रहते हैं। क्या सहूलियात हैं इनके पास और क्या नहीं है वो सारा आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी हम एक घर में मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कोली कम्युनिटी पाकिस्तान में किस तरह ये ज़िंदगी बसर करती है और इनके रहन सहन कैसा है सारा दिखाते हैं आपको। और ये आप देख सकते हैं कि ये इनका घर है। गाइज ये इनका मंदिर है, अभी देखते हैं। तो गाइज ये इनका मंदिर है, अभी हम आपको इनके रूम वगैरह दिखाते हैं, घर वगैरह दिखाते हैं कि ये किस तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं। टोटल कच्चे मकान हैं और ये पाकिस्तान के अंदर सुबह सिंध के अंदर गाँव है। तो गाइज ये इनका घर है, आपको मैं घर विजिट कराता हूँ कि ये इनका रूम है। आप देखें कि हर रूम के अंदर इस तरीके से ये मिट्टी का जो बर्तन रखने की जगह बनाई जाती है और किस खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो गाइज अभी ये अम्मा जो है ना वो हमें मिट्टी के घर किस तरह प्लास्टर होते हैं वो आपको दिखाएंगी। और ये देखें कि मिट्टी किस तरह बनाई जाती है, ये गोबर इसमें मिक्स करते हैं ताकि ये मिट्टी सही तरह से प्लास्टर हो। माई तमा सब घर ता पाण प्लास्टर कयन रागो तमा पाण दिनो हां पाण दिनो। तो गाइस ये इस तरीके से ये टोटली घर जो है वो इस अम्मा ने प्लास्टर किए हैं और ये इनके मवेशी हैं। तो गाइस पूरे गांव के अंदर ये घर जो है वो सीमेंट और ईंटों से बनाया गया है, आपको दिखाते हैं इस घर का भी व्यू। ये उठाड़ मोगी बना गाइस, ये देखें इस घर का व्यू। इसकी जो छत है वो कच्ची है, लकड़ियों की बनाई गई है और नीचे जो घर है उसको सीमेंट और बजरी से बनाया गया, पक्की ईंटों से बनाया गया। गाइस ये इनके घर है, एक दूसरा रूम है आपको वो दिखाते हैं। ये भाई अपनी बाइक पे बैठे हैं, केड़ा लग रहा है। एक ये रूम है जिसको ताज़ा ही प्लास्टर किया हुआ है, ये किचन बनाया गया है और ये अभी प्लास्टर सूखा भी नहीं है। और इस घर के अंदर भी यही बर्तन रखने की जगह है और ऊपर जो है इंडियन एक्ट्रेस की जो है पिक्चरें वगैरह लगी हुई है। और ये इनका बॉक्स है जहाँ पे इसमें सामान वगैरह बिस्तरे वगैरह रखते हैं। और छत को जो लकड़ियों से बनाया गया है।
ये भी इनका किचन है, छोटा सा किचन बनाया गया है जिसकी जो छत है वो लकड़ियों से, और ये रूम बनाया गया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी भी छत जो है वो कच्ची है, और बारिश वगैरह में पानी ही तो आई, पानी में बारिश वगैरह जब होती है तो इनकी जो छत है ये टपकने लगती है, फिर ये प्लास्टिक वगैरह डाल के फिर अपना गुजारा कर, ये लगाइंदा है तो पाल लगाइंदा। तो एक और घर है, इसको भी गिराया गया है, गिराया दोबारा बना रहा, टूट गया था गिर गया था। अच्छा सही, तो गाइस ये देखें, ये इनका ये बिल्कुल गिरा हुआ है, और ये इनका घर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके के से इन्होंने घर बनाया हुआ है और किस तरीके से ये अपने घरों में रह रहे हैं। इनके घर भी कच्चे हैं और बारिश जब आती है तो इनकी छतें जो है वो टपकने लगती हैं, जिस वजह से फिर ये प्लास्टिक वगैरह डालते हैं, फिर उस हिसाब से जो है वो बारिश को मेंटेन करते हैं। गैस ना होने की वजह से ये लकड़ियाँ जलाते हैं। तो गाइस ये केटल फार्म है, रात के टाइम यहाँ पे माल मवेशी यहाँ पे खड़े करते हैं ताकि सर्दी की वजह से इनको इफेक्टेड ना हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, आप उसमें रابطہ कर सकते हैं इनके साथ, और जो भी हेल्प करना चाहते हैं वो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं।